लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आज 9 राज्यों की 72 संसदीय सीटों पर मतदान जारी है। बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों के लिए यह चरण काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में इन 72 में से 56 सीटों पर उन्हें जीत मिली थी। बाकी 16 सीटों में से 2 पर कांग्रेस को जीत मिली थी, जबकि शेष सीटें तृणमूल कांग्रेस और बीजेडी जैसी पार्टियों के खाते में गई थी। महाराष्ट्र की 17, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की 13-13, पश्चिम बंगाल की 8, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की 6-6, बिहार की 5 और झारखंड की 3 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलग जम्मू कश्मीर की अनंतनाग लोकसभा सीट पर भी मतदान जारी है। अनंतनाग सीट पर 3 चरणों में मतदान कराया जा रहा है। चौथे चरण में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सीपीआई के कन्हैया कुमार, समाजवादी पार्टी के डिम्पल यादव, सुभाष भामरे, एसएस अहलूवालिया, बाबुल सुप्रियो, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद और आधी रंजन चौधरी सहित 261 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। इस चरण में करीब 12.69 करोड़ वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं। तो 9 राज्यों की 72 संसदीय सीटों पर यह मतदान इस वक्त चल रहा है और कई बड़े नेता हैं, चाहे बात करें गिरिराज सिंह की, बाबुल सुप्रियो की, इन सबकी जो किस्मत है आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। ये 72 संसदीय सीट काफी महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि अगर 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 56 ऐसी सीटें थी जहां पर बीजेपी के खाते में 56 सीटें गई थी। तो कुल मिलाकर ये जो चरण है वो काफी अहम माना जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर भी मतदान इस वक्त चल रहा है। हालांकि कई शिकायतें भी मिल रही हैं ईवीएम खराबी की, लेकिन फिर भी भीषण गर्मी के बावजूद भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं। एवन टीवी भी आपसे यही अपील करता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक सशक्त लोकतंत्र को बनाने में अपनी अहम भूमिका जरूर निभाएं।